अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वेल, बैक टू बैक मैचेस आ रही हैं। पाकिस्तान टीम टेस्ट में भी शिकस्त हुई है और T20 में भी। पाकिस्तान इस वक्त 4-0 हो चुका है T20 सीरीज़ में। पाकिस्तान अपना चौथा मैच भी हार गए हैं और आई डोंट नो कि क्या मसले मसाले हैं, लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर कम्प्लीटली फ्लॉप है। रन्स नहीं कर रहे, फ़खर फेल हो रहे हैं, इफ्तिखार फेल हो रहा है, आज़म खान भी फेल थे, और फरहान को खिलाया था आईपीएल, उन्होंने भी मौका नहीं उठाया और वो भी जल्दी आउट हो गए। यानी कुछ नहीं पता कि हमारे मिडल आउट के क्या हुआ है। रिजवान के 90 रन्स थे, 19 रन्स बाबर के, 21 रन्स नवाज़ के, उसके अलावा किसी ने रन्स नहीं किए। और दूसरी तरफ बॉलिंग में इतना अच्छा स्टार्ट लिया है शाहीन ने, लेकिन मिडल ओवर था गेंद, विकेट नहीं मिल रही। और 100 कुछ की पार्टनरशिप करके डेरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स अपनी टीम को मैच जिता गए। 72 रन्स डेरल मिचेल ने किए हैं और 70 रन्स ग्लेन फिलिप्स ने किए हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास मिडल ओवर में कोई बॉलर नहीं है। शाहीन ने 3 विकेट लिए, जमान ने बिल्कुल लिया फिर के एवरेज बॉलिंग की है। हमारा मिडल ओवर्स में कोई भी विकेट नहीं ले पा रहा और आई डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है। शायद वो एबिलिटीज नहीं रही हैं, शायद किसी चीज़ का प्रेशर, और सम हाउ न्यूजीलैंड आपको पता है कि एक मुश्किल कंडीशन होती है, लेकिन फास्ट बॉलर तो एटलीस्ट विकेट ले सकते हैं ना। आई डोंट नो कि हमारे बॉलर किस माइंड सेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस वर्स टू वर्स होती जा रही है। T20 में भी हम डोमिनेट करते थे इस T20 में, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, और चाहे वो बैटिंग होए, बॉलिंग होए, फील्डिंग होए, हम जितने मैचेस खेले हैं, जितनी ये 2 सीरीज हुई हैं, हमें बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आए। कैच नहीं पकड़े बॉलर्स, कंसिस्टेंसी एक लाइन पर बॉलिंग नहीं कर रहे, ना ही प्रेशर डाल रहे, ना ही पार्टनरशिप ब्रेक कर रहे बैट। यानी पाकिस्तान के पास कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई थी। बेशक कोचिंग स्टाफ बोले हमने ये किया है, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, सॉरी हाँ, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया आपका फेल हुआ है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे, ना ही टीम परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, ना ही कोई पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। इसलिए PCB चेयरमैन जका अशरफ रिज़ाइन करके चले गए, और आई होप जो भी नया आएगा PCB चेयरमैन, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम करेगा, ना ही कोई पर्सनल इंटरेस्ट, ना ही कोई टीम में ऐसी कैंपेन शुरू कर दें जिस तरह बाबर आजम के साथ की थी और आपको रिजल्ट नहीं मिले। अभी देखो कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। समहाउ आई थिंक ज़रूरत है रिफॉर्म करने की, जो भी आएगा अभी नया चेयरमैन, लेकिन पाकिस्तान टीम को प्रायोरिटी देगा वो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इन 2 सालों में कहां से कहां चली गई है। PCB चेयरमैन आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। आपको पता चल गया कोचिंग स्टाफ चेंज हो रही है, मैनेजमेंट नहीं आ रही है, PCB चेयरमैन नया आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि आप बेस ऑन टीम डिसीजन नहीं ले रहे। आप कोई फैसले बैकअप कर रहे हैं, कोई फैसले दे रहा है आपको, आप उसी पे कायम कर रहे हो। होपफुली जो भी आएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फैसले, कोई कैंपेन ना शुरू कर दें और बेस्ट डिसीजन लें टीम के लिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।